देख रहे हो, ये देखो जैसे हम सिलाई चेक कर रहे हैं, सिलाई देखो गुच्छी मार रही ज़्यादा, देख रहे हो कितनी कितनी गुच्छी आ रही है। तो सही सही कैसे करना है आपको हम इसके बारे में पूरी वीडियो जानकारी दे देंगे। जैसे आप इसमें देखोगे तो आपको पूरी जानकारी इसकी मिलने वाली है। जैसे आप देख रहे हो, अब दिखा रहे हैं भाई के, जैसे आप देख रहे हो इसको देखो, ये देखो सिलाई, इसमें हम सिलाई चेक कर रहे थे, सिलाई सही नहीं आ रही है। तो अभी हम आपको सिलाई सही करके इसको दिखाते हैं कैसे सिलाई सही हो जाएगी हमारी और कैसे करना क्या है। जैसे हमारा ये रहा, तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर धागा, इसके बाद डब्बी भी निकाल बाहर निकाल क्या इसका पहले टेंशन सेट करते हैं हम सब। टेंशन सेट करेंगे जो टेंशन की सफरिंग हमारी है, देख रहे हो सफरिंग काफ़ी लूज है। और क्या इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे तकला लेंगे, ऐसा एक तकला लेंगे ऐसा, इसको हल्का सा ऐसे दाब देंगे, इसको ऐसे हल्का सा कर देंगे, चौड़ा कर देंगे जैसे आप देख रहे हो, ये हल्का सा चौड़ा देंगे, चौड़ा कर देंगे जैसे आप देख रहे हो, ये हल्का सा चौड़ा हो गया। मैं थाल मारी है, अगर आपकी थाल यहाँ पर जैसे देखोगे धागा ज़्यादा स्क्रैप दे देता है, जैसे स्क्रैप ज़्यादा आ जाता है तो आप इसमें करोगे क्या, जैसे इसमें स्क्रैप ज़्यादा आ जाता है तो इसको करोगे क्या, ऐसे इसको रेगमाल पे रेगमाल लगाना, नीचे रेगमाल लगा के ऐसे इसको ऐसे इसको रख कर देना, रफ कर देना, मतलब थोड़ा थोड़ा कर दो इसे, तो हमारा धागा ये पकड़ बनाएगा। क्योंकि जब हमारा ज़्यादा टेंशन कट जाता है ना, तो जैसे ज़्यादा टेंशन कट जाता है तो हमारा यहाँ स्क्रैप आ जाता है, तो इस करके इसको थोड़ा थोड़ा जरूर क्या नाम है इसको रगड़ देना, रेगमार लगा के ऐसा हल्का सा रेगमार ले आना, तो ऐसे करके इसको कर देना। उसके बाद देखो कैसे लगाते हैं टेंशन, जैसे आप खोलिए टेंशन तो गलती से आपसे नहीं लग रहा है टेंशन, तो आप इसको लगाना है जैसे इसमें देखो, पहले ये वाली थाल सीधी करके फंसा देना, ऐसे फंसा दिए तो दूसरी थाल इसको ऐसे फंसाना है। तो इस स्प्रिंग लेना है, स्प्रिंग हम टाइट कर लिए हैं, तो स्प्रिंग को ऐसे इसमें लगा के ऐसे इसको लगा के ऐसे नट को कस देना है। अगर ये नट आपका स्लिप आ रहा है तो हमें वीडियो हमें क्या नाम है कमेंट करके बताना, हम इसके बारे में वीडियो आपको बता के बना देंगे, इसके बारे में भी एक वीडियो आपको अच्छी से दे देंगे। जैसे ये देख रहे हो हमारा, तो इसमें इसको सीधा चूड़ी पकड़ा लेना है इसमें, अब ऐसे इसको टाइट कर देना, जैसे हम टाइट कर दिए, ये हमारा हो गया टाइट। अब देखो ये देखो टाइट काफ़ी हो गया है, तो अब हम सिलाई करके चेक करेंगे, इसमें देखेंगे धागा हमारा लूज तो कैसा है, ठीक हमारा धागा हमारा ठीक है, इधर का धागा ठीक है, तो इसको हम लगा लेंगे इसमें। जैसे हम लगा लिए, आप देख रहे हो जैसे दिख रहा है आपको, लगा लिए हम, तो इसके बाद क्या नाम है धागा धागा इसमें हम सुई में डालेंगे, तो आपको हम आगे बताते हैं कैसे इसे क्या करना होता है, जैसे इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिल रहा है। तो इसमें पहले इतना आप सेटिंग करके देखना, अगर आपकी क्या नाम है सिलाई मशीन सिलाई नहीं करती है तो उसके बाद फिर हमें कमेंट करके बताना, तो हम आपको बता देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर अपनी मशीन का क्या नाम है वीडियो बना के हमें दिखा देना कैसे क्या प्रॉब्लम है, तो हम देख करके उस पर उसी तरह से वीडियो बना के आपको समझा देंगे कि ऐसे ऐसे आपको वीडियो बनाना है, ऐसे ऐसे आपको सही करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसको, हम क्या करिए इसमें आप धागा पा लिए हैं, तो देखते हैं इसके बाद देखते हैं हमारा ये सिलाई करती है कि नहीं, सही आ रहा सिलाई कि नहीं, आपको पूरी जानकारी वीडियो मिल जाने वाला है। जैसे देख रहे हो कपड़ा है, इस कपड़े पर सिलाई निकालना है हमें, इस कपड़े पर हमें सिलाई निकाल के देना है। जैसे देख रहे हो पहले वाली सिलाई देखो हमारी ऐसी थी, अब इधर इधर सही आ रही थी सिलाई, फिर भी हमारी इधर सही थी, इधर सिलाई जो थी गड़बड़ थी, तो हम इसको क्या नाम आप सही करके देखते हैं, इसको बंद करके देखते हैं कि हमारी सिलाई सही हुई कि नहीं, तो हम चेक करते हैं इसको सिलाई, देखते हैं सही हुई कि नहीं। जैसे आप देख रहे हो सिलाई सही हुई नहीं, अब देख रहे हैं लग रहा है सिलाई पूरी एकदम ओके है सिलाई, आप देख सकते हैं आगे भी सिलाई करके सिलाई कर लेते हैं पहले पूरा। आपको दिखा रहे हैं ये देखो हमारी सिलाई, पहले की सिलाई कैसी थी, पहले की सिलाई कितनी गड़बड़ थी, तो सिलाई देखो ये जो है पहली वाली सिलाई थी हमारी, अब की सिलाई जो दोबारा की है देखो कितनी बढ़िया सिलाई की है और साफ सिलाई की हुई है, एकदम पता लग रहा है आपको जैसे देख रहे हैं। हम सिलाई चेक कर लिए इसकी, अब हमारी ये सिलाई सही है, देख रहे हो एकदम क्लियर सिलाई सही है। तो ऐसी हमारी सिलाई क्या नाम है मशीन करनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हो